हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हिम ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एचबी पटवारी एग्ज़ाम 2019 जो कि 17 नवंबर को हुआ था, वो हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो है 29 नवंबर को जो हियरिंग थी उसमें क्या रिप्लाई दिया है, तो इसकी जानकारी जो है मैं आपको पूरी डिटेल में दूंगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, बोला है पटवारी भर्ती हाईकोर्ट ने सरकार से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। तो ठीक है दोस्तों, तो कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट पर एफिडेविट देने को आदेश। तो अभी हाईकोर्ट ने जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जो है स्टेटस रिपोर्ट और एफिडेविट देने को कहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 29 नवंबर को जो थी हियरिंग होनी थी हाईकोर्ट में एचपी पटवारी एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे जो है क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से क्या रिप्लाई दिया गया है, तो देखिए वो बताता हूँ आपको। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार के मामले में 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। ठीक है, पहली बात तो ये, और साथ में ही आज दाखिल स्टेटस रिपोर्ट के संदर्भ में एफिडेविट देने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। अब अगली हियरिंग जो है 2 हफ्ते बाद होगी। याचिकाकर्ता के वकील विनय शर्मा ने बताया कि बुधवार यानी 27 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। सरकार की तरफ से आज स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई। कहा गया कि 2 अभ्यर्थियों को जो रोल नंबर बांटे गए थे उनमें से एक रोल नंबर को कैंसिल कर दिया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने एफिडेविट देने को कहा है और साथ में ही 2 हफ्ते में जो है इसका जो है रिप्लाई मांगा है। तो अब गवर्नमेंट जो है क्या रिप्लाई देती है इसके ऊपर, ये देखने वाली चीज़ है। अब 2 हफ्तों बाद, मतलब 29 के बाद 2 हफ्ते के बाद जो है अब गवर्नमेंट अब अगले महीने दिसंबर में जो है क्या डिसीजन लेती है, तो इसका पता हमें जल्द ही चल जाएगा कि ये पेपर एग्ज़ाम जो है कैंसिल होगा या क्या होगा इसकी आगे, इसकी डिटेल का हमें पता लग जाएगा। दोस्तों, ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको सारी जानकारी दे दी कि 29 तारीख को जो हियरिंग थी उसमें हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला आया। तो इसी तरह हमारे वीडियो चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।